प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। दोस्तों, आज हम आपको ड्रामा सीरियल ए दिल तू बता के नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो बताने जा रहे हैं और साथ ही साथ ड्रामा सीरियल ए दिल तू बता के इस एपिसोड का रिव्यू भी शेयर करने जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रोमो में आपको दिखाया जाएगा कि बी जान अक्सा को लेकर अपने घर चली जाती हैं। पीछे से जहरा और रिफत दोनों बहुत खुश होती हैं कि अच्छा हुआ है इससे जान छुटी है। और अक्सा जो बी जान के घर चली जाती है, वहाँ पर मौजूद बीनिश उसको अक्सा एक आंख नहीं भाती। बीनिश बात बात पर अक्सा को टोकती है, रोकती है और उसको बातें सुनाती है कि हर जगह का माहौल तुम्हारी वजह से ख़राब होता है, तुम जिधर भी जाती हो वहाँ पर लोग परेशान होते हैं, अब तुम इधर हमें परेशान करने के लिए आ गई हो, इधर अहमद तो है नहीं जिसके साथ तुम अब रहोगी, अब तुम्हारी वजह से बी जान की तबीयत ख़राब हो ये मुनासिब तो नहीं लगता ना। लेकिन अक्सा बिनिश की हर बात को इग्नोर करेगी और अपने काम से काम रखेगी। अजान का दिल नहीं लगेगा अपने घर में अक्सा के बगैर, वो बार बार आएगा अक्सा से मिलने बी जान के घर। और इधर रिफत और अमीना दोनों अजान और तजुबा की शादी के प्लान बना रही होंगी, लेकिन बी जान अब फैसला कर लेंगी कि अजान और अक्सा की शादी हो जानी चाहिए, चूँकि वो लोग अजान और अक्सा की शादी कराएंगे। और चंद ही नेक्स्ट एपिसोड में आपको दिखाया जाएगा कि अजान और अक्सा की शादी की तैयारियां चल रही हैं और बारिश का मौसम है, और वहीं पर अहमद उधर से भागकर इधर आ जाएगा और अहमद को पता चलेगा कि अजान और अक्सा की शादी हो रही है, तो अहमद अक्सा से पूछेगा कि अगर तुम्हें अजान ही पसंद था, तुम्हें उसी से शादी करनी थी, तो तुमने मुझसे शादी क्यों की। उसको क्या पता कि अक्सा बेचारे पर क्या कुछ नहीं गुजरा। दोस्तों, ये था ड्रामा सीरियल ए दिल तू बता के नेक्स्ट एपिसोड का प्रोमो और साथ में हमने आपको आने वाले अगले कुछ एपिसोड्स का भी प्रोमो बताया। अब चलते हैं इस ड्रामे के इस एपिसोड के रिव्यू की जानिब। जैसा कि फ्रेंड्स आपने इस एपिसोड में देखा, अक्सा और बी जान बैठी होती हैं तो अक्सा कहती है मुझ में ही कुछ कमी होगी जो जिसको मुझे संभालना चाहिए था, और बी जान से पूछती है कि आप मेरे पास रुक रही हैं ना आज रात को, तो बी जान कहती हैं हाँ बेटा रुक रही हूँ। और वहीं पर बी जान कहती हैं कि मैं सोच रही हूँ कि सुबह यहाँ से जाने से पहले एक फ़ैसला कर लूँ, तो अक्सा कहती है कैसा फ़ैसला, बी जान कहती हैं तुम्हारा कुछ फ़ैसला करना है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रिफत और नज़ीर दोनों खड़े होते हैं, तो रिफत कहती है कि अब तो आपने उनको भेज दिया, अब आपको और क्या चाहिए, तो नज़ीर कहता है हाँ भेज दिया लेकिन तुम्हें उस बेइज्जती का एहसास है जो मेरी उनके सामने हुई, इन मेहमानों के सामने तुम कभी भी अक्सा के साथ मुखलिस नहीं हो सकती, दुनिया बदल जाएगी लेकिन तुम्हारे दिल में उस बच्ची के दिल में मोहब्बत पैदा नहीं हो सकती। मैं समझ गया हूँ, पहले मैं सिर्फ उसको एक जेलस समझता था लेकिन तुम तो नफ़रत की हद में आगे बढ़ चुकी हो उस बच्ची से जिसकी माँ भी इस दुनिया में नहीं है। तो रिफत कहती है अब अजीम इतना भी बुरा नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, तो नज़ीर कहता है अजीम इतना ही अच्छा है, तो तजुबा से कर दो ना, अजान तो वैसे भी नहीं करेगा तजुबा से, तुम तजुबा की मोहब्बत और अक्सा की नफ़रत में अपने बेटे के साथ बहुत बुरा कर रही हो, कुछ तो खुदा का खौफ करो, तुम्हें तो वो भी नहीं है। फिर दिखा दे जाते हैं कि अमीना अपनी बहन रिफत को कॉल करती है और कहती है तुम्हें क्या बताऊं कि तजुबा ने पूरे घर को सर पर उठा लिया है, तो रिफत कहती है आपा मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि अगर इतना बुरा कुछ होगा तो मैं तजुबा को उधर बुलाती ही ना, तो अमीना कहती है मुझे तो लगता है कि अक्सा नहीं भेजा होगा अजान ने,
तुम उस लड़की को बेवकूफ़ बना रही थी, वो तुमसे ज़्यादा होशियार नहीं निकली है। वो तुमको बेवकूफ़ बना रही थी। उसने एंड टाइम पर अजान को अपा के घर भेजकर तुम्हारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया। फिर रिफत कहती है कि अक्सा ने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। पापा, मैं तो समझ रही थी वो राज़ी हो गई है, लेकिन ये लड़की मुझे बेवकूफ़ बना रही थी। और यकीन माने मैं सोच रही थी कि अक्सान अपनी मर्जी से गया है। उफ़ खुदाया, ये लड़की इतनी चालबाज निकलेगी, मैं तो सोच भी नहीं सकती थी। अमीना कहती है, मैं हमेशा तुम्हें कहती थी कि अक्सा और उसकी माँ हमेशा तुम्हारे साथ चालबाजियाँ करती हैं, तुम होशियार रहो। तो रिफत कहती है, अक्सा ने मुझे समझने में गलती की है, ज़रा बी जान को जाने दो, फिर इसको मैं बताती हूँ ये चीज़ क्या है। ये भी याद रखेगी, ऐसी खबर लूँगी इसकी। फिर कहती है, कितने दिन रुकेंगी भतीजे के साथ? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन या 1 हफ्ता? फिर तो उन्हें वापस अपने घर ही जाना है ना। फिर मैं बताऊंगी अक्सा को कि वो चीज़ क्या है। फिर दिखाया जाता है कि अजान और बीजान बैठे होते हैं, और बीजान कहती है कि अक्सा सारी रात बेचैन रही, हर करवट पर चौंक जाती है। फिर अजान कहता है कि बड़ी अम्मी भी मुझे यही कहती थी कि अक्सा अभी तक बड़ी नहीं हुई। तो बीजान कहती हैं कि अल्लाह जन्नत नसीब करे जहरा को, जब तक वो थी मुझे अक्सा की इतनी फिक्र नहीं थी। फिर कहती हैं बीजान, अजान से कहती हैं कि मुझे तुमसे एक बात करनी है। अजान कहता है, जी बताएं। लेकिन बीजान फिर वो बात नहीं बताती और कहती हैं कि चलो छोड़ो, रहने दो, फिर कभी बताऊंगी। अजान काफ़ी पूछने की कोशिश करता है, लेकिन बीजान नहीं बताती और कहती हैं, वक्त आने पर तुम्हें ही बताऊंगी। फिर दिखाया जाता है कि अजान अपने रूम में खड़ा रेडी हो रहा होता है, और पीछे से रिफत आती है और उसके पास आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी, जो तुम चाहते थे वही हुआ, नहीं हुई अक्सा की मंगनी। अपनी माँ को धोखा देते हुए तुम्हें ज़रा शर्म नहीं आई? सबके सामने तुमने मुझे बेइज्जत करवा दिया है। अजान कहते हैं, आपने जितना डांटना है डांट लें, लेकिन मैं आपको मज़ीद गलतियाँ नहीं करने दूंगा। तो रिफत कहती है कि तुम्हें अपनी माँ ही क्यों गलत रखती है, बाकी लोगों की चालाकियाँ क्यों नहीं समझ आती? तो अजान कहता है कि आपका कोई दुश्मन नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। रिफत कहती है कि तुमने और तुम्हारे बाप ने हमेशा भाभी और उस शख्स के पीछे मुझे गलत कहा है। फिर दिखाया जाता है कि बिनिश और वजाहत बैठे होते हैं, और बिनिश कहती है कि पता नहीं उन लोगों के साथ हमेशा कोई ना कोई मसला चला रहता है, और उसको बताती है कि मुमानी जान अक्सा की मंगनी करवा रही थी किसी बड़े उम्र के आदमी से, और बी जान ने जाकर उनकी मंगनी रुकवा दी। और कहती है कि लेकिन वजाहत, आपको नहीं लगता कि बी जान को वहाँ नहीं जाना चाहिए था? मतलब ये उनका अपना घर का मामला है, हमें उनके मामलात में नहीं बोलना चाहिए। अब जाहिर है अक्सा को उस घर में रहना है, उनके साथ रहना है, तो उनकी बात तो मानना पड़ेगी। तो वजाहत कहता है, साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि किसी के साथ ज्यादती की जाए, और ज़ारा मुमानी नहीं, पता नहीं वो उसके साथ क्या क्या करती होंगी। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रिफत आकर अक्सा को काफ़ी डांटती है, और दूसरी तरफ भी जान अपने बेटे वजाहत से बात कर रही होती हैं और उसको सब बताती हैं कि रिफत ने क्या कुछ किया, और उसको बताया कि अक्सा की मंगनी उसकी दुगनी उम्र से के लड़के से कह रही थी। वो कहता है, बहुत ज्यादती की उन्होंने। फिर दिखाया जाता है कि अक्सा रोती हुई कमरे में आती है। बीजान पूछती हैं काफ़ी बार कि तुम्हें क्या हुआ, तो अक्सा नहीं बताती और ये कहती है कि कुछ नहीं हुआ, बस मुझे अपनी माँ की याद आ गई है। बीजान सब कुछ समझ जाती हैं कि फिर अक्सा को किसी ने कुछ कहा है। बीजान अपनी भाई नज़ीर के पास जाती हैं और जाकर उसको कहती हैं कि मैं आप तुम लोगों से बात करना चाहती हूँ। वहीं पर रिफत भी आ जाती है और रिफत कहती है, मेरे सामने बात करें, और कहती है कि अगर आप अक्सा और अजान की शादी का करने का सोच रहे हैं तो मैं नहीं कर होने दूंगी ये सब कुछ, मेरे होते हुए ये सब कुछ नहीं हो सकता। और फिर भी जान कहती हैं कि मैंने एक फ़ैसला किया है, मैंने यहाँ पर तुम लोगों को इसलिए नहीं बुलाया, मैंने तुम लोगों को इसलिए बुलाया है कि मैं अक्सा को अपने घर लेकर जा रही हूँ, और अब वो यहाँ पर नहीं रहेगी,
वो हमेशा मेरे साथ ही रहेगी। ये फैसला मैंने बहुत सोच समझ कर किया है। नज़ीर के काफ़ी कहने पर भी बीजा नहीं मानती और कहती हैं अब अक्सा भी मुझे रोकेगी तो मैं यहाँ पर उसको नहीं रहने दूंगी। ये बात सुनकर रिफत बहुत ज़्यादा खुश होती है और वहीं पर अजान अक्सा के पास आता है और कहता है कि तुम बीजान के घर जा रही हो, वह भी हमेशा के लिए। बीजान ये सब कुछ कैसे कर सकती हैं? ये घर तुम्हारा है, तुम यहाँ से कैसे जा सकती हो? अक्सा कहती है मुझे यहाँ से काफ़ी पहले चले जाना चाहिए था जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ था। दोस्तों आपको क्या लगता है कि विनीश बीजान के घर अक्सा को सुकून से रहने देगी या वो अक्सा को वहाँ से भी निकलवा कर ही दम लेगी? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।